के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा यीशु। मेरा नाम है अगस्टिन मैथ्यू और मैं आज आप सबके सामने ईसा मसीह के जन्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। 2000 साल पहले की बात है। एक दिन गैब्रियल नाम का फरिश्ता एक जवान ज्यूइश औरत के सामने आया जिसका नाम था मेरी। उसने मेरी से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। तब मरियम स्वर्गदूत के इन शब्दों से डर गई और सोचने लगी कि इस प्रणाम का अर्थ क्या है। तब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, मरियम डरिए नहीं, देखिए आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम आप ईसा रखोगी। उसके इन शब्दों से मरियम चौंक गई और कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष के साथ कोई संसर्ग नहीं है। तब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, मरियम आप पर ईश्वर की और पवित्र आत्मा की शक्ति छाई हुई है, इसलिए जो आपसे होगा वह पवित्र होगा और ईश्वर का कहलाएगा। ऐसा कहकर स्वर्गदूत वहां से चला गया। मरियम और उसका होने वाला पति जोसेफ नाजरेत में रहते थे, वो नाजरेत से बैतलहम चले गए। बैतलहम की दूरी बहुत लंबी थी, इसलिए उन्होंने बहुत दिनों तक सफर करा। जब वह बैतलहम पहुंच गए तब जोसेफ रहने के लिए जगह ढूंढने लगा, पर सारी जगह पहले से ही भरी हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी रात एक अस्तबल में निकाली, एक ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। उस रात ईसा मसीह ने जन्म लिया। उनके पास पालना नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चे को मेंजर में सुलाया। बैतलहम के पास कुछ गडेरिये अपनी भेड़ों को संभाल रहे थे, तभी एक फरिश्ता उनके सामने आया और उन्हें ईश्वर के जन्म के बारे में बताया। तब वो ईसा मसीह को देखने के लिए बहुत उत्साहित हो गए और अस्तबल की ओर निकल पड़े। दूर देश में 3 ज्योतिषियों को एक उड़ता हुआ तारा दिखाई दिया। वो सोचने लगे कि उस उड़ते हुए तारे के उड़ने का मतलब क्या है, और वो उस तारे का पीछा करते करते अस्तबल पहुंच गए। जब सब अस्तबल पहुंच गए तो सब ने ईश्वर को दंडवत दिया और उन्हें सोने के उपहार दिए। धीरे धीरे ये खबर पूरे देश में फैल गई। जब ये राजा हेरोद के पास पहुंची तो राजा हेरोद डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि जब ईसा बड़ा होगा तो वो राजा बन जाएगा और उन्हें देश से निकाल देगा। इसलिए उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि 2 साल के नीचे के सभी बच्चों को मार दिया जाए। उन्हें पता था कि उन बच्चों में ईसा मसीह जरूर होंगे। पर उस रात जोसेफ को अपने सपने में ईश्वर दिखाई दिए और ईश्वर ने उसे इजिप्ट जाने को कहा। जोसेफ उसी वक्त मरियम और बच्ची को लेकर इजिप्ट चले गए और वहाँ तब तक रहे जब तक हेरोद मर नहीं गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। मैं अगली बार फिर से आऊँगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय यीशु और हैप्पी क्रिसमस।